क्या हुआ दीपक? नेक पेन ये तो काफी दिन से हो रहा है दीपक को। डीप क्लीनिंग। हेलो हेलो, एक घंटा पहले ये धांसू थी रहे दोस्तों। एक घंटा ये सस्ते में भी मिलते हैं दोस्तों, ले लो इसको, क्योंकि ना इंडिया में रहते हो तो मिट्टी तो घर में रहती रहती है, कभी भी किसी कोने में हाथ डालोगे ना तो मिट्टी विट्टी रहेगी, तो इससे काम बड़ा फास्ट हो जाता है और बड़ा कंफर्टेबल और इजी लगता है। झाड़ू वाड़ू से ना सामान आता नहीं, इकट्ठा नहीं होता। ये वाला महंगा है, ये आप सस्ते भी मिलते हैं ऑनलाइन, आप ले लो। खींचते हैं ना बढ़िया, वो भी मिट्टी खींचते हैं। हाँ उसे मैंने खींचा, सोनिया को खींचा था पुराने वक्त, सोनिया खींच गई थी उससे। आपके एक घंटा पहले पेन हो रहा था और आपने अपॉइंटमेंट भी ले ली थी, अपॉइंटमेंट भी ले ली थी, कैंसिल कर दी। आई एम एक्सपीरियंस क्योंकि मेरे को बैक पेन हुआ था और मैंने उसका इलाज करवाया था बाहर से, तो मुझे पता है व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। तो कुछ ना कुछ आप अपने लाइफस्टाइल में गलत कर रहे हो, जिस वजह से आप तो गलतियां करते हो वैसे तो, स्टिफनेस आपके हो जाती है। तो मैंने फ़ोन किया अपॉइंटमेंट के लिए, और वो बहुत पॉपुलर क्लिनिक है इसके लिए, फिजियोथेरेपी के लिए, तो उनका इंस्टाग्राम पेज भी है। तो मैंने अपॉइंटमेंट के बाद मैंने सोचा कि ऐसे ही लोग थोड़ा मतलब ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत बताते रहते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे जाके उनकी चेक करी, तो वहाँ पे मेरे को कुछ एक्सरसाइज मिली जो नेक और नेक की थी, तो मैंने वो एक्सरसाइज करी। अब जैसे मैं आपको वही बता रहा था कि क्या होता है कि वाई डू वी गो टू फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि जो हमारा कुछ पेन हो रहा होता है ना, हम लोग को पता नहीं लगता, हम लोग को ये नहीं पता होता कि कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे वो पेन ठीक हो, दैट्स वाई वी गो टू फिजियोथेरेपिस्ट। तो मैंने ऑनलाइन चेक किया, वहाँ पे उन्होंने बताया था सिंपल इजी स्टेप्स एक्सरसाइज जिससे आप वो आपकी पेन ठीक हो सकती है। तो मैंने जब वो एक्सरसाइज करी तो इमीडिएटली मेरे को रिलीफ मिला। सो आई केम टू नो कि हाँ, ये वाली एक्सरसाइज अगर मैं दिन में 4-5 बार करूँगा तो फर्क पड़ जाएगा। मैंने उनको दोबारा कॉल किया, मैं कहा मुझे कुछ काम है, अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट देख रहा होगा वीडियो, वो महंगा है थोड़ा फिजियोथेरेपी। मैंने बोला दीपक जितने मर्जी पैसे लगा ठीक हो जाओ, वो महंगा है लेकिन इलाज बहुत सही करता है। लेकिन बोलिए, बट आई नो कि क्या इलाज, क्या दीपक खुद ही डॉक्टर बने हैं, मतलब यही तो मुझे जैसे बोलते ना खुद डॉक्टर बन जाते हो, उससे ना लोगों के तकलीफें ठीक हो गई हैं। मुझे अपना फेस बहुत अच्छा लग रहा है थैंक्स टू माय स्किन केयर रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ रेगुलरली, कभी मिस नहीं करती हूँ मैं। तो आज मैं भी आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि अफोर्डेबल तो है ही, साथ में इफेक्टिव भी है। तो मैं बात कर रही हूँ रेजिश्योर, जिसके मैंने काफी पहले यूज करे हैं प्रोडक्ट्स, और उनमें मैं बात करने वाली हूँ फेशियल मिस्ट के बारे में। फेशियल मिस्ट बेसिकली एक स्प्रे की तरह आप उसको यूज कर सकते हो, कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हो। तो मेरे पास है रेजिश्योर ग्रीन टी फेशियल मिस्ट, देन आई हैव दिस रेजिश्योर ग्लाइकोलिक एसिड फेस मिस्ट, और देन आई हैव इज दिस रेजिश्योर 2% PHA प्लस नियासिनामाइड टोनर। टोनर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आई वुड से कि हमेशा अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करें आफ्टर क्लिंजिंग। तो सबसे पहले बात करूंगी रेजिश्योर ग्रीन टी फेशियल मिस्ट के बारे में। इट्स वेरी हैंडी, पंप के साथ आता है, कहीं भी आप यूज कर सकते हो। फेस क्लेंज करने के बाद में सुबह या शाम को आप ये थोड़ा सा स्प्रे करें फेस पे, और इसमें ग्रीन टी है, इसमें रोज वाटर है, इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, वीगन पैराबन क्रूल्टी फ्री है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है जस्ट लाइक मी, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, देन आप ये अपनी स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। प्राइस जस्ट 300 रुपीज है इसका। तो आप बहुत ही फ्रेश फील करते हो जब आप ये फेशियल मिस्ट यूज करते हो। ऑल्सो जस्ट हल्का सा आप जस्ट फेस को पैक कर ले, और इसके बाद आप मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप ट्रेवल कर रहे हो देन इट्स वेरी हैंडी, जस्ट स्प्रे करें पूरे फेस पे। फेस मिस्ट इज सो गुड फॉर एक्नेस एंड ब्लैमिशेज, ऑल्सो इट टोन्स हाइड्रेट्स एंड क्लैरिफाइज योर स्किन। नेक्स्ट आई हैव इज दिस रेजिश्योर ग्लाइकोलिक एसिड फेशियल मिस्ट। अगेन आप इसको फेस पे स्प्रे कर सकते हो, एक दो पंप ले और जेंटली डैप करें जब आप फेस क्लेंस करते हैं उसके बाद में। और इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, एलोवेरा है, रोज वाटर है। ग्लाइकोलिक एसिड जेंटली आपके फेस को एक्सफोलिएट करता है और आपको स्मूथ स्किन देता है। इफ यू फील कि आपकी स्किन डल है या ग्रीसीनेस है या ऑयल है, उसके लिए काफी ये
हेल्पफुल है. ऑल्सो जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो टोटली सेफ है, इसको जेंटली एक्सफोलिएशन के लिए यूज कर सकते हो. ये एक्ने प्रोन और ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट है. तो आप इसको रात को अप्लाई कर सकते हो फेस क्लींस करने के बाद में. और आपने पहले एसिड्स वगैरह नहीं यूज करे हैं तो आप स्टार्टिंग में दो बार ही वीक में यूज करें और स्लोली स्लोली बिल्डअप करें, और उसके बाद आप डेली यूज कर सकते हैं. और उसके बाद है इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट टोनर. टोनर मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, टोनर बहुत ही जरूरी होता है पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए. कुछ भी इम्प्योरिटीज पोल्यूशन की वजह से डस्ट वगैरह जो आपके पोर्स में जाती है जिसकी वजह से एक्ने वगैरह पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, दिस इज अ जेंटल एक्सफोलिएंट जो कि आपकी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है. ऑल्सो दिस इज सो गुड फॉर सेंसिटिव स्किन. ग्लाइकोलिक एसिड बेसिकली आपके जो स्किन का मॉइस्चर है उसको रिटेन करता है. और अगर आपकी स्किन डल है या आपका कॉम्प्लेक्शन आप फील कर रहे हो काफी कंजेस्टेड सा हो रखा है, ग्लो फील नहीं कर रहे हो, देन डेफिनेटली आप टोनर अपनी स्किन केयर रूटीन में जरूर इंक्लूड करें. और मॉर्निंग और इवनिंग में क्लींजिंग के बाद आप ये अप्लाई कर सकते हो थोड़ा सा लो और जेंटली अपने फेस पे, स्पेशली अपने पोर्स पे इसको अप्लाई करें. और मॉर्निंग में जब आप अप्लाई करते हो तो इसको यूज करने के बाद सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें. ऑल्सो इट हैज नियासिनामाइड विच हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग पोर्स. ऑल्सो इट इम्प्रूव्स योर टेक्सचर एंड डर्म डलनेस. दीज प्रोडक्ट्स आर इजिली अवेलेबल, काफी अफोर्डेबल है. लिंक्स मैं ऐड कर दूंगी, आप वो जरूर चेक करें. ऑल्सो मेक श्योर करें कि आप एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन जरूर फॉलो करें एज पर योर स्किन टाइप. सो नाउ आई एम मेकिंग 10 मिनट्स वाला बहुत क्विक स्पैगेटी पास्ता. हेलो फ्रेंड, ढोकरा खा लो, खा लो. प्लेट भी नहीं है इसमें, तुम है ना खाओगे ढोकला? इसके लिए तो ब्रेड ही है. हम दोनों की मैचिंग है. आज सोना ने बोला बाहर कुछ खिला दो. 42 रुपए का 42 रुपीस का ढोकला खिला दिया. वो भी सोनिया ने लेके आया. खिला दो क्या? हम लोग आए डिकैथलॉन. लटरी ये ना, ऐसे करो, यहाँ से करो, ऐसे करो, एक एक बाइट ढोकला का और दूसरे बाइट से उगलो. अभी हम लोग आए डिकैथलॉन, तो उसकी पार्किंग में खड़े हैं ट्री के नीचे. वृक्ष तो वृक्ष जरूर उगाओ, प्लांट ट्रीज, सो दैट आप ऐसे खड़े हो सको उसके नीचे और आनंद ले सको खाने का बाहर, पिकनिक स्टाइल. सोने की दो डिमांड थी. पेड़ के नीचे पार्किंग करो और वहां से ज्यादा चल के ना आना पड़े, अंदर चाहे 10 चक्कर लगवा लो लेकिन वहां नहीं. नहीं नहीं नहीं, वो मेरे को बाद में माइंड आया कि नहीं नहीं वॉक भी करनी चाहिए थोड़ी सी. अच्छा है, कैसे जूसी है ये? जूसी रफ का कजन है. जूसी जूसी रफ का कजन है. दीपक के कजन का नाम क्या है? जूसी. जूसी जस्सी जस्सी जूसी ऐसे ही वो चलता है. जूसी ही चलता है, जस्सी नहीं चलता. होगा जस्सी, यूके में है तो बन गया जूसी. है जूसी जस्सी ना सच्ची में ऐसे ही ना, मतलब असली में क्या नाम है? जसविंदर सिंह याद नहीं. हम लोग ढोकला खाते नहीं इस डर से कि वो थोड़ा ड्राई ना हो. तो उस दिन हमने इंदिरा के घर पे खाया, प्रशांत पार्लर का था ना वो, तो
वो अच्छा था तो आज इसलिए हमने सोचा खाते हैं, बट परेशान करना थोड़ा आगे है, अभी बीकानेर वालों से खाया है। इनका भी ठीक है। अच्छा तो रिचेबल नहीं है, बहुत लगी है तो कोई यहाँ पत्नी के। अच्छा ये इसने भरी है एम्बर, ये क्या कर रही है एम, इसको ये उठा के वो टीवी शोज में देते ना चैलेंज करते हैं। एम्बर एम्बर घर पे तो करती नहीं, घर पे नहीं करती ना ये, घर पे नहीं करते हो आप? हाँ नहीं आएगी उसमें, नहीं आएगी उसमें एम्बर। थैंक यू आंटी। गाइस क्लाउड्स देखो, डर्टी है वो। लेट्स गो दीपक, लुक एट मी, ये मेरे ग्लासेस क्यों लगाए आपने? मेरी आंखें नहीं खुल रही धूप में, आंखें नहीं खुल रही। शादी वाले दिन भी धूप बहुत थी, सुबह तो शगुन लग रहा था तब भी आपको वही तो लफड़ा हो गया था। हाँ शादी वाले दिन धूप थी, आंखें मेरी खुली नहीं, मैंने देखा नहीं आपको, सारा शादी हो गई, फंस गया मैं। मैं डिकैथलॉन से लेके आई हूँ, तो मैं हमेशा बैकअप रखती हूँ घर पे। तीन तरह के वर्कआउट करती हूँ, देखो एक तो जिम में जाके आप कर सकते हो, सेकंड है या जैसे बाहर जा सकते हो वॉक के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन वो है। सेकंड ऑप्शन है कि घर पे जैसे काफी यूट्यूब पे होती है, लूसी विंडम करके हैं, आप वो फॉलो कर सकते हो। देन एक दो और हैं जो वॉक आप कर सकते हो, वॉक 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 विद माइल्स ऐसे कुछ करके है, तो उसमें आपको 10,000 स्टेप हो जाते हैं अगर आप अच्छी तरह एक्सरसाइज करो। और थर्ड होता है कि आपके पास डंबल्स वगैरह घर पे, तो वो कर सकते हो। क्योंकि मैं क्या लेके आई हूँ उसके बाद बताती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, मैं स्ट्रेंथ फील करती हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ लूजिंग वेट और ये मतलब आपको ये भी होता है जरूरी कि मसल भी होने चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए बॉडी में। तो ये बेसिकली एक सर्कल ट्रेनिंग का एक पार्ट है। ये देखो ये ऐसे आप इसको कर सकते हो, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कल वहां पे मैंने करा था, तो ये हैंडल है ऐसे, तो इसमें पांच है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे वाले पांच आप ऐड कर सकते हो, 5 किलो का एक है ये। आपको ऐसे एक्सरसाइज और फील आप फील करोगे जब आप एक्सरसाइज करोगे, तो ये लेग्स वगैरह के लिए, आर्म्स के लिए, बैक के लिए काफी अच्छा है। वो ये मैं कल लेके आई हूँ, यहाँ पे भी ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो उसके साथ में। तो ये है मेरे पास। और सेकंड मैं यूज करती हूँ स्किपिंग, स्किपिंग करती हूँ बट इतना रेगुलर नहीं हूँ। और उसके बाद जो आप ले सकते हो अगर आपको घर पे एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए, आपकी फुल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पिलाटिस ये वाला स्ट्रेंथ बैंड बहुत ही अच्छा है। तो ये थोड़ा स्ट्रांग है, मीडियम में आते हैं, लो में आते हैं, और इसके साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ये मैंने करे भी होंगे पहले लाइक दिस। आई हैव ये वाले सबसे बेस्ट ये डंबल है, ये है 1.5 kg, ये मैंने बहुत साल पहले लिए है, तो आर्म्स वगैरह के लिए अच्छे हैं, लाइट वेट है, अच्छे हैं। मैं पंजाब जब जाती हूँ ना, अब तो काफी टाइम हो गया, तब भी साथ में लेके जाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे, ये अच्छा लगता है जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और आई हैव दिस बिग डंबल्स, तो ये 2 kg, ये 4 kg का है, दोनों साइड पे दो है, तो साथ में और भी आए तो आप 8 kg तक लेके जा सकते हो। तो मैं मैक्सिमम 6 kg तक कर लेती हूँ, तो ये अभी 4 kg का है। तो दिस इज व्हाट आई हैव, जो मैं घर पे करती हूँ, योगा मैट है जो मैं यूज करती हूँ योगा वगैरह करने के लिए। और हाँ तो ये सारी चीजें मैं घर पे करती हूँ ताकि यू नो एक्सरसाइज भी हो जाए, मेंटली भी अच्छा रहूँ, फिजिकली भी अच्छा रहूँ। तो अभी मुझे देखती हूँ ये वाला मैं ऑल, आई थिंक 10 kg में ही कर सकती हूँ उसका वेट, और ये वाला तो बहुत एक आधी चीज तो होनी चाहिए, ताकि अगर आप कभी बाहर हो गए हो कहीं पे और एक्सरसाइज करने के लिए कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हो। तो इसके साथ ब्लॉग फिनिश करते हैं, फिर आते हैं अगले ब्लॉग पे। टिल स्टे हैप्पी ब्यूटीफुल, हेल्दी खाइए, हेल्दी सोचिए बस, और ब्लॉग जरूर देखिए। बाय।